नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं ये पीनट चिक्की, जिसे बनाना वैसे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन कई बार ये बहुत अच्छे से नहीं बन पाती है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी एकदम बाजार जैसी पीनट चिक्की घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, वो भी पहली बार में ही। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली को पहले से भूनकर उसके छिलके निकाल लिए हैं पूरे के, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 250 ग्राम मूंगफली। अब इसके बाद जितनी हमने ली है मूंगफली, तो उतना ही हमने लिया है गुड़। तो गुड़ को भी मैंने थोड़ा बारीक कर लिया पहले से ही, तो दोनों की मात्रा समान ली है। और सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे घी 1 से 2 चम्मच। और घी डालने के बाद जो हमने गुड़ लिया है उसको डाल देंगे इसके अंदर। तो अगर पहले आप थोड़ा सा घी डालते हैं तो गुड़ मेल्ट होने में भी आसानी रहती है, क्योंकि इसमें पानी तो डालना नहीं होता है। तो आप पहले ही डाल दें या फिर बाद में भी डालते हैं, कुछ लोग घी 1 से 2 चम्मच जैसे डालना हो, या बिना घी के भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ी सी सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको मीडियम रखेंगे गैस की फ्लेम को और इसको मेल्ट कर लेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, गुड़ एकदम अच्छी क्वालिटी का लेना है, मतलब थोड़ा टाइट सा गुड़ होना चाहिए, एकदम ऐसा सॉफ्ट सा नहीं होना चाहिए। जो सॉफ्ट गुड़ रहता है तो उसमें आपकी चिक्की बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया हमारा। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और पहले पूरे को अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, हम दिखा देते हैं, हमारा गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है बिल्कुल। आज जब जब पूरा गुड़ मेल्ट हो जाता है, तब इसके बाद आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब इसको 2-3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे पहले अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो ऐसे पका लेते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए, गुड़ में पहले से थोड़ा सा अच्छे से पक गया है, मतलब थोड़े से बड़े बड़े से बबल्स बन गए हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इस टाइम, जब आपको लग रहा है कि गुड़ अच्छे से पक गया है तो। लेकिन थोड़ा सा और पकाने के बाद हम चेक करेंगे इसको, और यहाँ काफी बड़े बबल्स बन रहे हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेंगे। एक कटोरी के अंदर हम थोड़ा सा पानी लेंगे, और मतलब नॉर्मल ठंडा पानी ले लेंगे जैसे, और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे ड्रॉप ऐसे, और कुछ सेकंड रखने के बाद फिर हम चेक करेंगे इसको। और यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है अभी, एकदम हार्ड सा नहीं हुआ। जब एकदम टूटने लगे गुड़ हाथ से एकदम क्रिस्पी जैसा, तब तक आपको गुड़ को पकाना है। तो थोड़ा सा हम और पकाएंगे इसे। यहाँ पर देखिए, गुड़ को पकते हुए और 2-3 मिनट हो गए हैं। अब जैसे ही इसका कलर भी पहले से देखिए थोड़ा सा चेंज भी हो गया, और काफ़ी फूल गया है एकदम। तो फिर से हम इसे चेक कर लेंगे अब यहाँ पर पानी के अंदर डालकर। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना, जब तक ये एकदम क्रिस्पी क्रंची सा नहीं बनता है, तब तक इसे पकाना है। और यहाँ पर देखिए, गुड़ हमारा अच्छे से पक गया है, देखिए एकदम क्रिस्पी सा टूट रहा है। थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, और एकदम क्रंची सा टूट रहा है। तो बस अब ये तैयार है। अब इसके बाद हम डाल देंगे जो मैंने मूंगफली रखी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का यही ध्यान देना है कि एकदम गुड़ क्रिस्पी टूटना चाहिए, ये चेक जरूर करना है, इससे आपकी चिक्की एकदम अच्छी बनेगी। और एक बस इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को भी बंद कर देंगे और इसको फटाफट निकाल लेंगे, जहाँ भी सरफेस पर निकालना है घी या ऑयल लगाकर, प्लेट में या कहीं भी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बटर पेपर ले लिया, तो इसके ऊपर निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो कोई भी प्लेट के अंदर घी वगैरह लगा के इसको भी निकाल सकते हैं, और ये बहुत जल्दी सेट होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी करें। और ऊपर से भी एक पेपर रख के थोड़ा सा इसको प्लेन कर देंगे जब ये गर्म है उसी टाइम, तो ये ऊपर से थोड़ी अच्छी सी प्लेन हो जाएगी। आप इस तरह बेलन वगैरह से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे दूसरी
कोई जैसे ले ले आप इस तरह की कटोरी भी ले सकते हैं, उस पर थोड़ा घी या ऑयल लगा कर भी उससे इस तरह प्लेन कर सकते हैं इसको। तो ये काम थोड़ा जल्दी करना होता है और ये बहुत जल्दी सेट होने लगती है। उससे पहले इसमें कट लगा देंगे निशान जब ये थोड़ा गर्म है उसी टाइम। और देखिए अभी इतनी जल्दी सेट होने लग गई है। तो थोड़े से पहले से आप ऐसे ही कट लगा दें, अगर आप बाद में लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं कटेगी। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जब थोड़ा गर्म रहे बस जब भी आप थोड़े थोड़े कट लगा सकते हैं, तो उसी शेप में बाद में आसानी से कट हो जाएगी। और इस तरह हमने पूरे में कट लगा दिया। और ये काफ़ी ठंडा होने के बाद अब हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए काफ़ी आसानी से निकल जा रही है, एकदम बहुत ही अच्छी सी बन गई है हमारी चिक्की। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पर, बाज़ार से भी अच्छी और सस्ती बनती हैं। और देखिए बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए थोड़ा सा घी डालने से ही एकदम सॉफ्ट भी बनी है, अच्छी बनी है मतलब। और मैंने थोड़ी सी मोटी लेयर रखी, आप चाहे तो थोड़ी सी पतली भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको तोड़कर भी दिखा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी एकदम क्रिस्पी बनती है। देखिए है ना कितनी क्रिस्पी। तो वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।